हाय गाइस वेलकम बैक टू माई चैनल कैसे हो आप सब मैं करने वाली थी अपने हेयर केयर रूटीन तो सोचा आप लोग साथ में शेयर करूं हाथे के ऊपर यार लिपस्टिक्स लगी हुई हैं आप उसको इग्नोर कर देना अभी अभी जस्ट एक वीडियो शूट करके हटी थी हैंड स्वैचेज की तो बस वही हाथों के ऊपर लिपस्टिक्स का स्टेन है बाल मेरे इतने रफ लग रहे थे इतने ज़्यादा फ्रीजी लग रहे थे सोचा इनको एक्स्ट्रा नरिशमेंट प्रोवाइड करती हूँ मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ वाव स्किन साइंस का मोरकन आर्गन ऑयल रेंज जिसके जिसमें आपको मिल जाएगा आर्गन हेयर ऑयल मुरोकन ऑर्गन शैम्पू मुरोकन आर्गन कंडीशनर आपको मिल जाएगा तो सबसे पहला स्टेप होता है गाइस आप अपने बालों को ऑयलिंग करो बहुत अच्छी तरह से आप अपने बालों को ऑयलिंग करो ये जो ऑयल है ना ये आपके बालों में से ड्राइनेस uh, को भी कम करेगा एंड आपके बालों को नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा ऑयल का ना टेक्स्चर बहुत अच्छा है इन्होंने नॉन स्टिकी सा टेक्स्चर है अगर आपके बाल पतले हैं डल हैं अनमैनेजेबल हैं तो आप इसको जरूर ट्राई करो एंड इसके अंदर मिनरल ऑयल नहीं डाला हुआ सिलिकॉन्स नहीं डाले हुए तो ये आपके बालों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा इसके अंदर वाइटमिन ई है तो ये आपके स्कैल्प को नरिशमेंट भी देगा और साथ साथ में आपके बालों को शाइनी और हेल्दी भी बनाएगा इसके अंदर गाइज बहुत सारे ना कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स डाले हुए हैं जैसे एक्स्ट्रा वोजन ऑलिव ऑयल स्वीट एलमंड ऑयल मोरक्कन आर्गन ऑयल ग्रेप सीड ऑयल कैस्टर ऑयल जोजबा ऑयल कोकोनट ऑयल ये आपके रफ ड्राई अप करेंगे साथ साथ में आपके को कंट्रोल करेंगे तो मुझे ये वाला ऑयल तो काफी पसंद आया एंड गाइस वैसे भी जब भी आप शैम्पू कंडीशनर करते हो ना उससे पहले ऑयलिंग जरूर किया करो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी आप ओवरनाइट ऑयलिंग किया करो क्योंकि सारी रात जब आप ऑयल अपने बालों के ऊपर रखते हो ना मसाज करके अच्छी तरह से तो क्या होता है ना वो अंदर तक पेनिट्रेट करता है आपको असली उसका फायदा दिखने को मिलता है ठीक है मैं तो आपको ओवरनाइट ही रिकमेंड करूंगी सारी रात रखने के बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग मैं अपना करने वाली थी शैंपू तो मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ वाव स्किन साइंस का आर्गन ऑयल मुरुक्कन आर्गन ऑयल शैंपू इसके अंदर है मुरुक्कन आर्गन ऑयल सो पाल एंड नेटल लीफ एक्स्ट्रैक्ट्स और वाइटमिन बी फाइव ये आपके इम्प्रूव करेगा हेल्दी हेयर को आपके बालों को हाइड्रेशन देगा साथ में स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा अगर आपके बाल बहुत ही ज़्यादा ड्राई है ना तो आप ये वाला शैम्पू ज़रूर ट्राई इट कंटेन्स नैचुरी एच टी ब्लॉकर्स ऑयल इज रिच इन वाइटमिन ई एंड फैटी एसिड्स ये आपकी ड्राइनेस को हटाता है बालों में से और री करता है हेल्दी हेयर ये आपके बालों का पी एच बैलेंस भी बिल्कुल मेनटेन रखेगा एंड डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है मेड विथ नेचुरल एक्टिव्स एंड अगर आप रेगुलर यूज करोगे ना पूरी की पूरी रेंज को तो आप देखोगे कि आपकी डेंड्रव भी रिड्यूस होगी है फ्लेकिनेस बालों में जो होती है वो भी रिड्यूस होगी है साथ साथ में फ्रीजीनेस कंट्रोल होगी है एंड आपको मिलेंगे शाइनी हेल्दी एंड ग्लॉसी बाल इसके अंदर वाइटमिन बी फाइव है जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है आपके हेयर फॉलिकल्स को तो बस मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये वाला शैम्पू लेके अपने स्कैल्प के ऊपर अपने बालों के ऊपर अच्छी तरह से मसाज करूंगी लाइट हैंड से आपने मसाज करना है ताकि जितनी भी गंदगी है सब कुछ आपके बालों में से निकल जाए एंड एक्स्ट्रा जितना भी वाटर है पानी के साथ आप रिंस कर लो शैम्पू करने के बाद उसके बाद जितना भी एक्सेस वाटर है आप उसको निकाल दो एंड फिर मैं यूज़ करूंगी वाव स्किन साइंस का मोरक्कन आर्गन ऑयल हेयर कंडीशनर ये बना है नेचुरल एक्टिव से और इसके अंदर है मोरक्कन आर्गन ऑयल और साथ साथ में है वाइटमिन बी फाइव एंड वाइटमिन ई e. ये आपके बालों को स्ट्रॉन्ग करेगा हेल्दी करेगा सिल्की बनाएगा आपके बालों को और ये जो फॉर्मूला है ना गाइस ये बनाया गया है एक्स्ट्रा ड्राई हेयर के लिए तो अगर आपके बालों में बहुत ज़्यादा फ्रीजीनेस है ना तो आप ये वाले कंडीशनर को ज़रूर ट्राई करो एंड गाइस बेस्ट पार्ट पता है क्या है ये जो वाओ की मोरक्कन आर्गन ऑयल रेंज है ना इसमें आपको बिल्कुल टॉक्सिक सल्फेट्स नहीं मिलेंगे मतलब इट्स फ्री फ्रॉम टॉक्सिक सल्फेट्स पैरबिन सिलिकॉन्स ये जो चीज़ें होती हैं ना आपके स्केल्प को डैमेज करती हैं आपके हेयर लॉस होता है तो इस रेंज में बिल्कुल भी ऐसे हार्मफुल चीज़ें नहीं डाली हुई एंड मैं यहाँ पे क्या करूँगी थोड़ा सा मैं यहाँ पे कंडीशनर लूँगी अकॉर्डिंग टू माई हेयर लेंथ जितनी आपकी हेयर लेंथ है ना उसके अकॉर्डिंग अपना कंडिश्नर ले लो एंड फ्रेगनेंस बड़ी अच्छी आ रही थी इसके आ, ऑयल में से भी शैम्पू में से भी और कंडीशनर में से भी मुझे काफ़ी अच्छी फ्रेगनेंस आ रही थी एंड मुझे ना पर्सनली पसंद है कि जब मैं अपना हेयर वॉश करके आऊँ ना तो मेरे बालों में से ना हल्की हल्की से अच्छी अच्छी से खुशबू आनी चाहिए बालों की लेंथ के ऊपर कंडीशनर अप्लाई कर लिया पानी के साथ रेंस तो कर लिया एंड ड्राई होने के बाद आप मेरे बाल देखो कितने अच्छे लग रहे हैं मैनेजेबल से लग रहे हैं मैंने कुछ नहीं यूज़ किया सिर्फ एयर ड्राई होने दिया कोई स्ट्रेटनर नहीं यूज़ किया कुछ नहीं यूज़ किया मेरे बाल नेचुरली ही इतने ज़्यादा अच्छे लग रहे थे बाउंसी लग रहे थे हेल्दी लग रहे थे मुझे एंड uh, एक और चीज़ मैं आपको मेंशन कर दूं अगर आपने नोटिस किया होगा कि वाव के प्रोडक्ट्स के ऊपर ना क्यू आर कोड बना होता है वो इसलिए बना होता है ताकि आप प्रोडक्ट की ओथेंटिसिटी को समझ सको जान सको जो भी क्यू आर कोड था ना उसको मैंने स्कैन किया क्यू आर स्कैनर से आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा क्यू आर स्कैनर तो आप देख लो मैं सीधा वाव की वेबसाइट पर गई मतलब ये प्रोडक्ट ओरिजिनल है मतलब ये प्रोडक्ट ऑथेंटिक है ठीक है अच्छा एक और चीज है गाइस अगर आप वाव की ऐप से प्रोडक्ट्स को बाय करोगे ना तो आपको आ, काफी प्रोडक्ट्स के ऊपर ना अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा कॉम्बोज के बारे में आपको पता लगेगा क्या नए नए ऑफर्स है उसके बारे में आपको पता लगेगा मैं आपको ये रिकमेंड करूंगी आप वाव की ऐप से प्रोडक्ट्स को बाय करो लिंक मैंने आपको डाल दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में परसेंटेज ऑफ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो भी मैं आपको बता दूं ऑयल के अंदर है 99.9 नाइन परसेंट शैम्पू के अंदर है 97 परसेंट और कंडीशनर के अंदर है 94.4 परसेंट सबके परचेज लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में टिल देन बाय बाय लव यू वीडियो बायूच लगना प्लीज लाइक जरूर करना एंड गाइस मेरी तरफ से आप ये रेंज को जरूर ट्राई करना आपको बहुत पसंद आई